ठीक है जी, तो हमने वेस्ट बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसमें उसकी डिफरेंट रीजन थी, एक वास्टनेस था, प्रोविंस था, उसके उसके बाद कम्युनिकेशन नहीं था, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, इन सारे इश्यूज के बेस पे हमने ईस्ट और वेस्ट में तकसीम कर दिया। ईस्ट में क्या है, मुस्लिम डोमिनेट कर गए, और वेस्ट में क्या है कि हिंदू डोमिनेट कर गए। अब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम रिस्पॉन्स की, मुस्लिम ने डेफिनेटली इसको एक्नॉलेज किया और मुसलमानों की अपलिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। पार्टीशन ऑफ बंगाल रिलीव द मुस्लिम फ्रॉम कम्पीटिंग विद हिंदूज हु वर मोर एडवांस इन एवरी फील्ड। ठीक है जी, लेकिन हिंदुओं का रिस्पॉन्स को इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। सबसे पहले उन्होंने बहुत ज्यादा एजिटेशन करना स्टार्ट कर दी, लॉर्ड कर्जन को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसमें जो मेन कम्युनिटीज थी उसमें लॉयर्स और डॉक्टर्स थे, क्योंकि लॉयर्स जो थे उनका ये कलकत्ता में रह रहे थे, तो उनकी क्या हुआ कि जब न्यू प्रोविंस बनना था तो तमाम न्यू अदालतें या न्यू मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर बनती और उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो डिवाइड हो जाना था। तो उन्होंने मैसिवली प्रोटेस्ट किया और इसको सपोर्ट किया उनके हिंदू प्रेस ने। अगर इसको आपने पढ़ना है, ट्रैक टू पाकिस्तान में जो है, इसमें बड़ा डीपली इस पे एनालिसिस प्रोवाइड किया गया है कि किस तरह जो है वो चीजें उन्होंने हुई। उसके बाद जो हिंदू ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दी, उस होल पर्पस वाज टू बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स। और इसके बाद जब 1911 में जॉर्ज फाइव ने आना था, उस टाइम पे इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी और उसी के नतीजे में जो आगे प्रेशर में आके इन्होंने इसको अनल कर दिया। ठीक है जी, तो यूनाइटेड बंगाल वाज प्लेस्ड अंडर गवर्नर, असम वाज प्लेस्ड अंडर चीफ कमिश्नर, डिसीजन वाज शैटरिंग ब्लो टू मुस्लिम, इट लेफ्ट देम सलन एंड डिसिल्यूजन, देयर एंगर एंड इंडिगेशन हैड वाइड स्प्रेड रिपरकशंस। ठीक है जी, आप कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे पहली बात यह है कि मुसलमानों को पहली दफा ये फील हुआ कि दे कैन हैव अ सेपरेट स्टेट या सेपरेट नेशन, और ये सेपरेटली वो अपनी चीजों को मैनेज कर सकते थे। देन उनको उनको पहली दफा जो हिंदुओं का एक मुतासबाना रवैया, जिसे हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर की बात करते हैं, वो समझ आई। देन उन्हें ये इस बात की समझ आई कि जो ब्रिटिश हैं यहाँ पे वो अपने मकासद के लिए, दे आर नाइदर विद अस नॉर विद द हिंदूज। क्योंकि उन्होंने क्या हुआ कि पहले बड़ा इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ हिंदूज उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर दिया, और इसके नतीजे में मुसलमानों ने अपनी एक पार्टी भी बनाई 1905 में। उस पार्टी के थ्रू अपनी रिप्रेजेंटेशन भी लेके आया, देन अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आता है हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या हुआ कि जब तक सर सैयद अहमद खान जिंदा थे, उनका एक ही नैरेटिव या एक ही मोटो था, वो था टू अवॉइड द पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसे डेथ होती है सर सैयद अहमद खान की, जो मुसलमानों की कॉन्शियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्योंकि मैच्योर हो चुकी थी, तो उन्होंने एक अपने लिए और 1905 के इवेंट ने, पार्टीशन ऑफ बंगाल के इवेंट ने, देन उर्दू हिंदी तनाजा था उसके इवेंट ने, मुसलमानों में ये सेंस ऑफ अ न्यू पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की। और उसके बाद जैसे जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा था, मुसलमान जो है वो एक नई पार्टी की तरफ या अपने लिए पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड उनको महसूस हो रही थी। उसके बाद राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू जो है वो इतने साल चूंकि सुप्रेशन में रहे थे, अब उनको जब खुल के सामने आने का मौका मिल रहा था, तो वो बिल्कुल कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे रहे थे कि वो मुसलमानों को सुप्रेस ना कर सकें, उनके राइट्स नब ना कर सकें और उनके सबवर्ट ना कर सकें। इसी वजह से मुसलमानों में ये सेंस ऑफ जो है वो एक प्रिवेल करना स्टार्ट होगी कि वी नीड अ सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्लस जो कांग्रेस का रवैया था, उस कांग्रेस का रवैया ने मुसलमानों बिल्कुल वो हिंदू ओरिएंटेड या हिंदू कल्ट ओरिएंटेड जो पार्टी बन के रह गई थी, और उसमें मेन रोल भी जो है वो हिंदुओं का था। और जो अगली बात इसमें ये हुई, जब 1892 के इलेक्शन हुए, उसमें रिप्रेजेंटेटिव 1891 का जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया गया, और फिर 1892 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, तो उसमें मुसलमान जो थे वो बिल्कुल साइड लाइन हो रहे थे, और मुसलमानों की वॉइस जो है उसको सामने लाने के लिए कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं था। ठीक है, उसके बाद 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा पिवोटल रोल प्ले किया, इसमें पार्टी पार्टीशन ऑफ बंगाल डायलेमा, किस तरह वो पार्टीशन हुई, किस तरह रिजल्टिंगली उस पर जो आप कहते हैं कि
फ्रॉम द हिंदू साइड और ब्रिटिश साइड हमने देखा कि उनका जो एक्शन आया, देन मुस्लिम प्रेस ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, उन्होंने मुसलमानों को बारहा ये बात समझाने की कोशिश की कि नाउ इट्स हाई टाइम टू फॉर्म अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देन, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि 1905 में लेबर पार्टी गवर्नमेंट इंग्लैंड में आ गई थी, लेबर पार्टी में इंग्लैंड में गवर्नमेंट आने की वजह से चूंकि वो ज्यादा जो अपने ये जितनी भी कॉलोनीज थी उनमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देने की बात करते थे, तो इसने बड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड इंस्टिल किया इन द मुस्लिम्स के वो जाके देन उसमें जो शिमला डेपुटेशन गया वायसराय से मिला, वायसराय ने बड़ी अच्छी उनको उम्मीद दिलाई, फॉर्मेटेबल उनकी बातें सुनी, देन सेपरेट इलेक्टोरेट पर भी राजी हुआ जो कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में आके बाकायदा उसको एक्नोलेज भी कर लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें मिल के इन्होंने मुसलमानों को एक 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 नच किया टू फॉर्म एंड फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, इसमें कहते हैं के अजीज साहब का अगर हम पॉइंट लें, वह कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान के टू नेशन के आइडिया ने उसके बाद हिंदुइज्म ऑफ कांग्रेस, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ मुस्लिम एंड पोलिटिकल अवेकनिंग जो है, इन सब फैक्टर्स ने मिलकर मुस्लिम लीग के क्रिएशन में एक अहम रोल अदा किया। अगर हम मतीउर रहमान साहब कहते हैं कि इट वॉज नाइदर मशरूम ग्रोथ नॉर इट वॉज अ क्रिएशन ऑफ एनी इंडिविजुअल individual identity, it was a product of two forces, Hindus reaction and Muslim role of Muslim educational institute. इसको ठीक कर लीजिएगा कि role of Muslim educational institute जो है उन्होंने किस तरह सैयद अहमद खान ने बकायदा base से उनको education provide की, then political consciousness provide किया, जिसको जब उन्होंने अपने अपने एक पर्सपेक्टिव से देखा कि हिंदू किस तरह जो है इस पर एक्ट कर रहे हैं या किस तरह हम उनके साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते, जब उन्होंने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट किया तो उनके सामने यही बात आई कि वी नीड टू हैव अ सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि जब शिमला डेपुटेशन बना, मोहसिन मुल्क आगा खान नवाब सलीमुल्लाह खान शोड इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है जी, तो उसको सैयद अमीर अली साहब ने पहली दफा जो है वो सेपरेट एक पॉलिटिकल पार्टी की नीड को स्ट्रेस किया उस पर, देन नवाब सलीमुल्लाह खान ने उसका नेम भी प्रपोज कर दिया और फॉर्मली 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस सेशन वाज हेल्ड एंड आफ्टर सेपरेशन सेशन अ सेपरेट मीटिंग वाज हेल्ड बाय डेलीगेट्स, जिसमें जो फॉर्मली जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई, 3000 डेलीगेट्स थे और उन्होंने फॉर्मली इसको स्ट्रक्चर किया। बिफोर दी कायद-ए-आज़म के आने से पहले इसके तीन मेन जो थे वो काम थे। सबसे पहले क्या था कि लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट अमंग द मुस्लिम्स, टू लुक आफ्टर पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड टू ब्रिंग अबाउट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है जी, और इसकी जो मेंबरशिप थी पहले लिमिटेड थी 400 मेंबर पे, इसका एक प्रेसिडेंट था, 6 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक सेक्रेटरी था, देन उसके बाद डिफरेंट प्रेसिडेंटशिप रही। अच्छा, जो प्रेसिडेंटशिप है उसने भी बड़ा इम्पेक्ट किया, जो लीनिंग्स थी लीनिंग्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जो पहले वाले पॉलिटिशियन थे मसलन ये आगा खान थे और राजा साहब ऑफ महमूदाबाद, वहाँ पे ज़्यादातर वो बात कर रहे थे कि वो एजुटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ ना जाए, कन्फर्टेशनल पॉलिटिक्स की तरफ ना जाए, लेकिन जैसे जैसे कायदे आज़म साहब आए उसके बाद उन डिफरेंट जो यंग क्रीड आई तो उन्होंने इसको एक न्यू शेप दी, उन्होंने एक सेपरेट नेशन हुड या सेपरेट स्टेट की बात की विदाउट द एजेसिस ऑफ इंडियन ब्रिटिश जो है वो डोमिनियन स्टेटस के भी, जिसमें वो बात करते हैं कि उनके अंडर रह के या उनके अंडर ना रह के उनके एक सेपरेट स्टेट उठ की उन्होंने पहली दफ़ा बात की। अगर हम डिफरेंट प्रोविंसेस की बात करते हैं तो December 1, 1907 में हमारे पास पंजाब मुस्लिम लीग बनी, November 1908 में मद्रास में बनी जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, 1909 में ईस्ट बंगाल मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि इसमें बढ़ना स्टार्ट हो गया, जी प्रोविंसेस भी, यानी पहली दफा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, देन उसकी जो जैसे ऑफशूट ये पंजाब वाली मुस्लिम लीग नून है, देन उसके बाद सिंध में मुस्लिम लीग नून है, देन उसके बाद बलोचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, तो इस तरह इसने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब जिनाह साहब आते हैं तो उन्होंने एक
मार्च 1913 में एक नया ऑब्जेक्टिव डाला, टू अटेन सुटेबल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया अंडर द एजेस ऑफ ब्रिटिश। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो सेपरेट स्टेट हुड की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने कहा कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उसमें भी यही उसका ऑब्जेक्टिव रखा कि हमने कन्फेडरेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना, हमने फॉस्टर करना है कंड्यूसिव एनवायरमेंट बिटवीन ब्रिटिश और मुस्लिम। अब हमने बात की टू अटेन सुटेबल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया अंडर द एजेसिस ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स आए जिसकी वजह से मुसलमानों या मुस्लिम लीग का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स ब्रिटिश जो है वो रिजेंटफुल हो गया। उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि ब्रिटिश जो है सोलली इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम जो है वो काम नहीं कर रहे, वो उनके कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, दैट इज वाई दे आर हेयर एंड दे डोंट वॉन्ट टू हैव अ प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ या प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ देयर पोस्ट देयर विड्रॉल, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि एंटी मुस्लिम पॉलिसीज बनाना स्टार्ट हो गई, जिसमें उन्होंने टर्की जो ऑटोमन अम्पायर था, जैन खानपुर मॉस्क ट्रेजेडी थी, डिलेइंग एंड एलिवेटिंग स्टेटस ऑफ अलीगढ़ कॉलेज टू यूनिवर्सिटी। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने जब शिमला वफ्द में मिले, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ जो कॉलेज है एमए कॉलेज है, इसको क्या कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी बना दी जाए। यूनिवर्सिटी बनाने से क्या फ़ायदा होना था, तो जो अपना करिकुलम जो थे वो अपना डिज़ाइन कर सकते थे। पहले उनकी जो अफिलिएशन थी वो दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ थी, तो इसमें भी वो डिले करते रहे। और इस पे भी जो ज़्यादातर कोट किया जाता है वो हिंदुओं का एक प्रेशर था कि वो इसको बनने नहीं दे रहे थे। उसके बाद अनलमेट पार्टीशन ऑफ बंगाल की, बंगाल की जो पार्टीशन को जिस तरह उन्होंने प्रेशर में आके अनल किया था, उसने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया टू चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड ब्रिटिश पॉलिसीज। पहले वो उनके साथ कन्फ्रंटेशनल पॉलिसीज या कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन आफ्टर दिस दे स्टार्टेड फीलिंग रिजेंटफुल एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रिटिश, ठीक है जी। उसके बाद इन्वेजन ऑफ टर्की बाय बाल्कन स्टेट, डिफरेंट बाल्कन स्टेट, उस पर अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो देखते हैं तो उस टाइम पे बाल्कन स्टेट की जो इन्वेजन थी टर्की में, और तो जो साइलेंट एटीट्यूड था ये ब्रिटिश का, देन उसके बाद वर्ल्ड वार वन होती है, उसके बाद 1919 में खिलाफत को वो जिस तरह एंड करते हैं, 23 में अबॉलिश करते हैं, हालांकि उन्होंने कहा था कि हम नहीं करेंगे। देन उनका जो रोल है मुसलमानों एक साइड पे, तो वो ड्यूल साइड पे प्ले कर रहे थे, तो इसके नतीजे में मुसलमानों ने जो है वो वहां से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एलिनेट करना स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ रेडिकल चेंजेस आए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, सेंट्रल ऑफिस जो है वो शिफ्ट हुआ अलीगढ़ से लखनऊ में, लखनऊ जो मेन पॉलिटिकल हब था वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो एज है वो 21 ईयर्स कर दी गई। इसके नतीजे में क्या हुआ कि ज्यादा यंग जनरेशन जो जिसे हम गर्म खून या हॉट ब्लड कहते हैं वो सामने आया, तो उन्होंने एक नए वे से अपने आप को करना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद जो आगा अली खान साहब और जो राजा साहब महमूदाबाद हैं वो उन्होंने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया। मोहसिन उल मुल्क जो है वो 1907 में वफात पा गए। तो जो ओल्ड गार्ड्स की एक लॉबी थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होगी बाय द न्यू एंड द यंग ब्रीड, जिसे हम कहते हैं कि इमरजेंस ऑफ न्यू कैडर ऑफ लीडरशिप विच वॉज नोन एज यंग ग्रुप, एंड अजीज मिर्जा वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी, जिसमें दीज यंग पीपल्स वर मोर नेशनलिस्ट, ठीक है जी। तो ये ऐसा ऐसा चेंज होना स्टार्ट हो गया जिन्ना इंसिस्टेड दैट क्लास इज ओवर।
क्लास खत्म हो गई है? पता नहीं। ठीक है, तो इस तरह फिर पॉलिटिकली उसको अवेयरनेस दी, देन मुसलमानों की अवेयरनेस आई, जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हुआ तो देन इट इज पॉसिबल कि इसको दो में डिवाइड किया जा सकता है और हम एक सेपरेट नेशन हुड की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिलेटेड। अगर हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का रोल देखते हैं, ये वैसे जनरल एक क्वेश्चन था, इस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। उसने सबसे पहले मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी फिर उसके बाद एक्शन देखेंगे, लीडर्स, देन उसके बाद किस तरह डायरेक्टी सिस्टम आया, ठीक है, किस तरह 14 पॉइंट्स आए, किस तरह 1930 वाला एड्रेस आया, किस तरह कांग्रेस मिनिस्ट्रीज भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, सारे इवेंट्स इसी प्लेटफॉर्म के मरहूने मदद थे। ठीक, अब चलते हैं जी अलीगढ़ मोमेंट पे। अब अलीगढ़ मोमेंट तो आप देखते हैं, वो कहते हैं कि जी एजुकेशनल इन नेचर बट पॉलिटिकल इन अपीयरेंस, सॉरी पॉलिटिकल इन अपीयरेंस एजुकेशनल इन नेचर, जो भी आप इसको बुला रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको सूटेबल लगे। ये आप सीनल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट करने के प्रश्न में प्रमोशन, तो आपने कह रहे हैं कि सबसे पहले बैकड्रॉप क्या था जिसमें ये आए, आपने सोशल को देखना है, पॉलिटिकल को देखना है, किस तरह मुसलमान जो है वो बिल्कुल साइडलाइन हो चुके थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उनकी पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन कितनी थी, और जो दूसरी कम्युनिटीज वहां पे रह रही थी उनके साथ उनका क्या रोल था। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने आपने चार्ट बनाना है, ऐसे एजुकेशन कहेंगे, देन एजुकेशन से क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उनको जॉब मिलना स्टार्ट हो गई, सेल्फ अवेयरनेस आ गई, ठीक है, उसके बाद उनका जो ब्रिटिश के साथ, अगर यहाँ पे हम इसको कहें ब्रिटिश के साथ है, जो गैप था वो कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हुआ कि उनके साइंस और मॉडर्न एजुकेशन के साथ वो अलाइन होना स्टार्ट हो गया। देन यहाँ पे 1905 में जब हम बात करते हैं शिमला जो कॉन्फ्रेंस है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, ये प्रोवाइड किया उन्होंने। जेनेरिक वे में वो पूछते हैं, आपका नाम क्या है, सॉरी वासे, वो एक जेनेरिक वे में पूछते हैं आपके पास ये डिफरेंट थोड़ी थोड़ी मतलब एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे मौजूद होती है, उसमें से आपने निकाल के अपना एक आर्गुमेंट बनाना है कि व्हाट यू हाउ डू यू सी थिंग्स, कि किस तरह उन चीजों ने पाकिस्तान मूवमेंट, यही जो हम पाकिस्तान अफेयर में मिस्टेक करते हैं या इवन करंट अफेयर में करते हैं कि हम कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट जब करते हैं तो मटेरियल सेम पड़ा हुआ है, सब बुक्स में सेम पड़ा है गूगल पे, क्योंकि हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज, या उसमें कोई नया तो लिख नहीं सकता। अब कहेगा कायद आजम साहब जो थे वो ये पिक के जो सैंडविचेस बनते थे उनके शौकीन थे, फिर उस पर वो सर बताएगा, फिर तो आप फेल हो जाएंगे। या एक नया आपने तो यही कहना है कि वो बड़े इस्लामिस्ट थे, वो बड़े आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को मानने वाले थे, ठीक है, तो उस पर फिर आपने अपने डिफरेंट कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो वहां पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दैट्स हाउ ओवरऑल जो थिंग्स हैं वो डेवलप होती है। ठीक है जी, अगली असाइनमेंट आप लिखें, आपने एक जाट मोमेंट पे सिर्फ तीन पेजेस की ना उस पर आउटलाइन बना के लाना है, जाट मोमेंट पे आउटलाइन बना के पार्टीशन ऑफ बंगाल
आपके दो क्वेश्चन जो है उनके बकायदा नोट्स तैयार हो चुके हैं, आपके पास रेफरेंसेस हैं, देन आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है बिफोर द एग्जाम। अभी आपका जो मॉक है वो हम इसका कंडक्ट करेंगे। जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया फिर वो तो उनका अलग ही आफिस है। जो हमारे वो तो बाद में होंगे ना, नदवा और देवबंद जिहाद मोमेंट है। आज गूगल आप करेंगे ना आपको पता चलेगा। हेलो सर। जी सर, जरा ये असाइनमेंट के जो अपने क्वेश्चन दिए हैं ये जरा रिपीट कर दें। मैं पिक्चर लेकर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं ये असाइनमेंट किसने सबमिट किया है, वो तो जरा करना। अबू सर असाइनमेंट दी है? अच्छा नहीं दी ना, ऐसे को आप नाम नाम नहीं आप नाम दे जी। जफर नाम। अच्छा ये एक और आपको बात बता दूं कि आप कहीं पे भी जाए ना, यहाँ पे कोई भी असाइनमेंट पे या चेकिंग पे या पोस्ट लेक्चर जो है ना इतना स्ट्रेस नहीं करता कि ना हमें, वैसे अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कहूँ ना कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि आपकी एक्स्ट्रा टेंशन में, हमने पढ़ा दिया ना आपको, आप अपने ऊपर हैं, वहां पे पढ़े ना पढ़े उसको खोल के देखें ना देखें आपके पीछे पड़े हुए हैं। दैट मींस कि हम बाकी चाहते हैं कि आप लोग करें जो असाइनमेंट है। आप मतलब 20 30 25 बंदे हैं, पहले आपको लेक्चर पढ़ाओ, ये सारा करो बनाओ, देन उन पे चेक करो बकायदा उनको। 10 से 15 मिनट एक असाइनमेंट पे लगते हैं चेक करने पे, एक क्वेश्चन पे आपको डिटेल फीडबैक दो तो इस पे टाइम लगता है। तो काइंडली फॉर गॉड से मेरी रिक्वेस्ट आप समझ लें कि आप इसको सीरियस लें, अपने आप के साथ इंसाफ करें। और अगर वाकई आप सीएसएस, आप में से कितने लोग हैं 22 वाली जिन्होंने देनी है अटेम्प्ट, क्या वाकई आप उतनी एफर्ट कर रहे हैं, क्या वाकई आप जस्टिफाई कर रहे हैं? चले आप एक्सेप्शन केस हो गया आपका है? क्या वाकई आप उतनी एफर्ट कर रहे हैं? बट तो ये लेक्चर लेने हैं यार, तो यूट्यूब खोलो वहां से ले लो, पैसे जो दिए यहाँ पे दिए हैं ना, पैसे किस लिए दिए हैं? ताकि आपकी एवेल्युएशन हो सके, जो कि एग्जाम में बैठ के आपने इंटरव्यू तो देना नहीं। यहाँ पहले मुझे तो लगता है आपने देना ही इंटरव्यू है, आपका रिटर्न होने नहीं है आप सबका, जो आपके हालात हैं। आप ना स्लाइड्स खोल के देखते हैं, ना कोई आप क्वेश्चन आके पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ है। जैसे आप जाएं, जो पढ़ने वाले हैं जो सारे करने वो तो पूछते सर ये रेफरेंस कहाँ से दूं, अच्छा ये क्वेश्चन एक आया इसको मैं कैसे करूं, ये करूं वो करूं, इसमें क्या मैं चार्ट्स कैसे बना सकता हूं, इसमें ये चीज़ मैं